लीगल सिस्टम वॉज सेटअप टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स। पॉलिटिकल ग्रुप का फॉर्मेशन करने के लिए भी लीगल सिस्टम बनाया गया जापान में कि पॉलिटिकल पार्टी आप कैसे बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए ना भाई। पता लगा चाचा भतीजे लड़ गए तो अलग पॉलिटिकल पार्टी, बहनों में लड़ाई हो गई तो अलग पॉलिटिकल पार्टी, बाप बेटी लड़ गए तो अलग पॉलिटिकल पार्टी। ऐसी कम से कम 50 पॉलिटिकल पार्टी हैं हिंदुस्तान में जो सिर्फ इसलिए बन गई कि फैमिली डिस्प्यूट था। क्यों बन गई वो पॉलिटिकल पार्टीज? फैमिली डिस्प्यूट की वजह से बन गई, जरूरत नहीं थी उनकी। और लेकिन हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर पॉलिटिकल ग्रुप्स को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब उसके रूल्स हैं कि कैसे आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। हिंदुस्तान में कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, इसीलिए 2500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हिंदुस्तान में। एक एक घर में दो दो तीन तीन पार्टियाँ, ऐसे बहुत सारे, सपा में अभी तक दो थी, अब कह रहे आप हम एक हो गए, पता नहीं मन मिले कि नहीं मिले। हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले अलग थे, विधानसभा में एक हो गए, फिर विधानसभा के बाद अलग हो गए, फिर से भाई वो मैनपुरी के चुनाव में एक हो गए, अब पता नहीं आगे क्या होगा। अपना दल में देख लो, अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल लड़ी जा रही है, दो पार्टी बन गई उस घर में भी, अपना दल है सपना दल के। झारखंड में वो, हरियाणा में देख लो, ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, दोनों लड़कों ने अलग अलग पार्टी बना ली, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये, कोई सिस्टम ठीक से हम डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन जापान ने इस पर काम किया, इसीलिए वहाँ रेगुलराइज है पॉलिटिकल पार्टीज, जरूर होना चाहिए भाई। पॉलिटिकल पार्टी चपरासी बनने की योग्यता है इस देश में, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है, अनपढ़ भी बन सकता। पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हैं जो देश की सत्ता व्यवस्था को चलाएगा, उसका संचालन करेगा, उसके लिए कोई भी बना सकता है। हर घर में एक पॉलिटिकल पार्टी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान में। अरे मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा और बस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, जेंडर के नाम पर वोट मांगेगा और चला जाएगा। ये कमी है हमारे देश की। लेकिन जापान में ऐसा नहीं था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सिस्टम। कंट्रोल द होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। पॉलिटिकल पार्टीज को मीटिंग कैसे करनी है उसका भी नियम किसने तय किया? सरकार ने तय किया। हिंदुस्तान में एक दिन में हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, और फिर लोग कहते हैं ये देश जो है ना रहने के लायक नहीं रह गया। अब इतनी आज़ादी दुनिया किसी देश में नहीं है कि आप कभी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किसी भी इश्यू को लेकर के करने लग जाओ। जापान में ऐसा नहीं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सिस्टम को कि आप किस तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन पब्लिक मीटिंग्स जो भी आपको करनी है, प्रोसेसेंस करने हैं, उसके लिए एक सिस्टम है वहाँ, उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है। ये नहीं कि कोई भी आके खड़ा हुआ और कुछ भी करने लग जाएगा। द मिलिट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी वर पुट अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ द एम्परर। उस जमाने में एम्पररशिप थी, तो मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट एम्परर के कमांड में रखा गया। वही देखेगा कि मिलिट्री कैसी होगी, कैसे काम करेगी, उसकी शासन व्यवस्था क्या होगी। ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम करेगी नहीं करेगी, इसको भी कौन मैनेज करेगा? इसको भी एम्परर मैनेज करेगा। ये किया जापान ने, 18वीं और 19वीं शताब्दी के उनके कानून हैं। हमसे 100-150 साल पहले सारी व्यवस्थाएं वो करते जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, स्कूलिंग कंपलसरी होगी,
एजुकेशन नॉमिनल फीस में होगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से तय करके रखी थी। दिस मीन्स दैट इवन आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड दीज टू ग्रुप्स रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री इनको आउट ऑफ कंट्रोल रखा गया गवर्नमेंट के, इनको डायरेक्ट किसको दे दिया गया, एम्परर को दे दिया गया कि आपको ही क्या करना है, ये कैसे चलेंगे ये दोनों विभाग, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों संस्थाएं किस ढंग से काम करेंगी, ये एम्परर तय करेगा, ये गवर्नमेंट तय नहीं करेगी। इन ऑल दीज मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट फेस्ड अपोजिशन, और ये इतनी आसानी से नहीं हो गया, इसमें भी अपोजिशन फेस करना पड़ा। अपोजिशन तो पूरी दुनिया में होता है, विरोध नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी तो शासक तानाशाह हो जाएगा, ये तय है। जहां पर भी अपोजिशन कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी, समझ लो कि शासक प्रशासक अपनी मर्जी चलाएगा। डेमोक्रेसी में भी अगर विपक्ष कमजोर है तो समझ लीजिए कि वो देश की शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी। आज यही चीज हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है, विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नजर नहीं आता, प्रयास भले ही करें लोग दिखाने के लिए। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के लीडर है, कोई सीरियसली लेता है उनको? नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए भाई, आप लगातार हारते जा रहे, हारते जा रहे, हारते जा रहे, ठीक है, असफलता जीवन, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है, कभी असफलता मिलती है लेकिन कभी तो सफलता मिले भाई, कि जिंदगी भर हारने के लिए बने हो आप, इसका मतलब आप ठीक फील्ड में नहीं है। सारे प्रयास करने के बाद, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब आपने गलत रास्ता चुना है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो आपका फील्ड नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, विपक्षी पार्टियों में आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दम पर वहां नहीं है, जो किसी और वजहों से वहां पर हैं, और ये हिंदुस्तान में ही होता है, दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता। ये हिंदुस्तान में संभव है, पाकिस्तान में संभव है, बांग्लादेश में संभव है, श्रीलंका में भी मान लेते हैं, नेपाल में भी मान ले, एशियन कंट्रीज में ही संभव है, एशियन कंट्रीज में भी, साउथ एशियन कंट्रीज में संभव है, जिस लोकलिटी में हम रह रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ का जो कल्चर और ट्रेडिशन है, इसमें से ज्यादातर देश तो अखंड भारत का हिस्सा है। ये पाकिस्तान कहाँ से बना, बांग्लादेश कहाँ से बना, नेपाल किसका हिस्सा था पूर्व में, अफगानिस्तान, ये सब जो है ना कभी ना कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी है जिसमें ये सब चलता है, बाप का नाम भी काम आता है, किसी की माँ का नाम काम आता है, समझ रहे हैं आप, किसी के पति का नाम काम आता है, किसी के पिता का नाम काम आता है। एक अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री बन सकती है इस देश में पति के नाम पे। अरे ये देश तो वो देश है, खड़ाऊ रख के सत्ता चलाई जाती है 14 सालों तक इस देश में, तो उस परंपरा से पले बढ़े हैं हम, हालांकि तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो प्रतिनिधि था, अब लोग कह देते हैं जो राजनेता अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अरे बोले राम जब वनवास गए थे तो उनकी खड़ाऊ रख के सत्ता चलाई गई थी 14 साल, लेकिन उस सत्ता को चलाने वाला कौन था, उस सत्ता को चलाने वाला भरत जैसा भाई था, लास्ट तिलक तो तय हो गया था ना, वनवास ही इसीलिए कराया गया था कि राम वनवास चले जाएंगे तो भरत राजा हो जाएंगे, भरत को सत्ता मिल जाएगी, इसीलिए हुआ था ना, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया ना, तो उनमें वो लालच नहीं था। आज तो चाचा लड़ जाता, बोले अच्छा हमने मेहनत करी इतने साल और मुख्यमंत्री ये बन गए, बताओ छोटी बहन बड़ी बहन से लड़ रही है, बोले पार्टी तो पिताजी की थी तो हिस्सा तो मेरा भी है उसमें,
तुम दो बार से केंद्रीय मंत्री बन गई, हमको से नहीं बनेंगे क्या? अरे कुछ तो दो हमें भी। मतलब ऐसे शेयर करते हैं जैसे राजनीति भी प्रॉपर्टी है और उसका बंटवारा बराबर हिस्सों में होना चाहिए, ये हिंदुस्तान की व्यवस्था है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं था। ये कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पीछे कहाँ रह गए, हमें अपनी कमियां देखना, इसीलिए आपको पढ़ाया भी जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए वो वहां है और हमने जो किया इसलिए हम यहां हैं। तुलनात्मक अध्ययन है, ये कॉम्परेटिव स्टडी है कि वो ऐसे क्यों और हम ऐसे क्यों हैं। दिस मीन्स दैट इवन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड दीज टू ग्रुप्स रिमेंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इन ऑल दीज मेजर्स द गवर्नमेंट फेस्ड अपोजिशन। द टेंशन बिटवीन दीज डिफरेंट आइडियल्स रिप्रेजेंटेड बाई अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ मॉडर्न आर्मी वॉज टू हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन ये जो सिस्टम लागू किए गए थे इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे कि आर्मी किसके अंडर में होगी, ब्यूरोक्रेसी किसके अंडर में होगी, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रूल्स क्या होंगे, उनका रेगुलेशन कैसे होगा। इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन कितना कर पाता है? क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो लोग होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? जो सरकार होती है वही करती है ना नियुक्ति। तो आप खूब कह लो कि इलेक्शन कमीशन बहुत इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं सरकारों के प्रति उसका झुकाव होता है, रहना रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो हटा दिए जाएंगे। मान लो नहीं भी हटाए जाएंगे तो आगे से पॉलिटिकल पार्टीज फिर ठोक बजा के बिठाएंगी, कौन बनेगा सीईसी,